नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 21 अप्रैल। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीते दिन बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 113 पर। बिहार में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बीते दिन अचानक से बिहार में 17 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद बिहार का आंकड़ा बीते दिन 113 पर पहुंच गया है। खबरों की माने तो 17 नए मरीज नालंदा जिला के रहने वाले हैं। इसके बाद नालंदा में प्रशासन और ज्यादा सख्ती में आ गई है, जिसकी पुष्टि बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के बाद हुई है। सरकारी दफ्तर खुलने के बाद एक तिहाई कर्मचारी पहुंचे काम पर। सरकारी कार्यालय खुलने के बाद अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस में काम करने पहुंचे, जहां पर पहले दिन लगभग एक तिहाई कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज की गई है। वहीं इसी बीच कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी बखूबी देखने को मिली। वहीं बीते दिन विभागों में सिर्फ जरूरी कामकाज हुआ और ज्यादा संख्या वाले काउंटर को बंद रखा गया। जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार पटना में कलेक्ट्रेट के अलावा कमिश्नरी, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय खोले गए। हालांकि पटना के सुल्तानगंज और खाजपुरा में किसी की छूट नहीं दी गई। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने की लोगों से भ्रम न फैलाने की अपील। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आए दिन लोगों से कई तरह की अपील करते देखे गए हैं। वहीं इस बार फिर उन्होंने लोगों से अनुशासन के अंदर काम करने की अपील भी की है। इसी बीच डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने हाल ही में उन लोगों से खास अपील करते हुए कहा है कि जो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें संभल कर रहने की जरूरत है। बार बार मीडिया में ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि बीते दिनों में कुछ कामों में दिए गए छूट का मतलब है कि लोग अब जब चाहे तब घर से निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छूट सिर्फ काम करने के लिए दी गई है, ना कि लोगों के बेवजह से बाहर निकलने की। प्रदेश के 32 लाख छात्र छात्राओं ने शुरू की टीवी से पढ़ाई। कोरोना के कारण बंद के बाद छात्रों का काफी समय बर्बाद हो रहा था। ऐसे में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में छात्रों के समय का उपयोग करने के लिए टीवी के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की है, जिसके बाद प्रदेश के लगभग 32 लाख छात्र छात्राओं ने टीवी से पढ़ाई के चलन को अपनाया है, जिसके तहत हर दिन 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक आयोजित किए गए एपिसोड को देखकर छात्र अपनी पढ़ाई पूरे कर रहे हैं। खबरों की माने तो इनमें से 30 लाख छात्र बिहार बोर्ड के हैं, वहीं 2 लाख छात्र सीबीएसई और आईसीएसई के हैं। लॉकडाउन में काम करने वाले ठेकेदारों को मिलेगा ज्यादा पैसा। लॉकडाउन के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगे ठेकेदारों को सरकार ने ज्यादा पैसे देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत बंद के माहौल में काम करने वाले सभी ठेकेदारों को और ज्यादा पैसे देने के आदेश जारी किया गया है। वहीं राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्माण सामग्रियों जैसे कि सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी के दाम में भी तय कर दिए गए हैं। इसी दाम पर लोगों से आग्रह किया गया है कि वह सामान बेचे और साथ ही सामने वाला सामान खरीदे। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते असर के बीच सरकार ने अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए कुछ चीजों में छूट देते हुए बीते दिन से काम करवाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद निर्माण कार्य समेत कई काम फिर से शुरू कर दिए गए हैं। श्रवण कुमार ने रोजगार की कमी नहीं होने का किया दावा। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने सभी आम नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि बिहार में रोजगार की कोई कमी नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश लगातार सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार देने की शुरुआत की गई है। इतना ही नहीं, 7 निश्चय योजना और जल जीवन हरियाली योजना के लिए भी बड़े पैमाने पर काम होने वाला है। इसलिए मजदूरों को काम नहीं मिलने जैसे किसी भी भ्रामक बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सरकार से जितना बनेगा, जितने लोगों को रोजगार चाहिए, उतने लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के गोपालगंज, लखीसराय, भागलपुर को कोरोना मुक्त जिला घोषित किया। जहां एक तरफ बिहार में कोरोना से कुछ जिलों को हॉटस्पॉट बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के कुछ ऐसे भी जिले हैं जो पूरी तरीके से कोरोना से फ्री हैं। खबरों की माने तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गोपालगंज, लखीसराय और भागलपुर जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। खबरों की माने तो पिछले 20 दिनों में यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। वहीं बिहार के सिवान, बेगूसराय, नालंदा समेत कई जिलों में से कोरोना के पॉजिटिव मामलों की खबरें भी लगातार सुनने में मिल रही है। बिहार सरकार ने विभिन्न केंद्रों में रह रहे लोगों के लिए खास शिविर के आयोजन का दिया आश्वासन। बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर के इस बात की जानकारी दी गई है। इसके तहत उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से अलग अलग केंद्रों में रह रहे व्यक्तियों के समुचित देखभाल की व्यवस्था किए जाने तथा गुणवत्ता युक्त भोजन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आदेश जारी किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि उपयुक्त केंद्रों में आवासीय सभी पंजीकृत व्यक्तियों को खाने हेतु एक एक स्टील की थाली, कटोरी और ग्लास भी दिया जाए, जो कि घर लौटते समय यह लोग अपने साथ वापस ले जा सके। वहीं राहत केंद्रों में आवासीय सभी लोगों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, जहां पर इनके रहने से खाने, कपड़ों समेत अन्य जरूरी चीजों का भी खास ध्यान रखा गया है। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण पर सरकार ने दिया अपना जवाब। जहां एक तरफ बिहार में कोरोना ने नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी, वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर अभी तक अड़िग हैं। वहीं सरकार भी शिक्षकों के वेतन को लेकर अपने फैसले पर बनी हुई है, जिसके तहत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतन निर्धारण पर अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके वेतनमान निर्धारण में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने आगे कहा कि कंडिका 3 का अनुपालन कई जिलों में नहीं किया गया है। शिक्षकों का मूल वेतन लेवल 2, 3 और 4 में अधिकतम इंडेक्स 3 तक ही निर्धारण
निर्धारण करना है। हालांकि कुछ जिलों में 4.5 इंडेक्स तक निर्धारण किया गया है, जो कि गलत है। लॉकडाउन में बालू खनन को नहीं मिली मंजूरी। लॉकडाउन के इस माहौल में बालू खनन पर रोक के फैसले को जारी रखा गया है। बीते दिन से जिन भी हिस्सों में निर्माण कार्य शुरू हुआ है, वहां पहले से ही स्टॉक किए हुए बालू का इस्तेमाल किया जाना है। इसके लिए एक मुकम्मल सप्लाई चेन भी बनाई गई है। हालांकि बालू खनन, बालू गिट्टी आदि साथ ही छोटे उद्योगों को लेकर बैठक का आयोजन करवाया गया है, जिसमें कि कुछ नियमों का पालन करने हेतु निर्माण कार्य के सामान को जगह पर पहुंचाने का आदेश जारी किए जाने की उम्मीद जताई गई है। नंदकिशोर यादव ने मजदूरों के रहने खाने का इंतजाम करने का जारी किया आदेश। बीते दिन से शुरू हुए काम के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने मजदूरों को लेकर अहम ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कई रोड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अगर उनका अभी शुरू नहीं किया गया तो एक साथ बहुत ज्यादा देरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन और दूरी को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। वहीं मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था की बात की जाए तो पथ निर्माण विभाग और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर यह काम कर रहे हैं। वहीं सभी मजदूर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। कोरोना प्रभावितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंगेर पुलिस आई सकते में। मुंगेर बिहार के उन जिलों में शुमार है जिसे हॉटस्पॉट माना जा रहा है। इसी क्रम में दिन प्रतिदिन मुंगेर में कोरोना प्रभावितों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए अब स्थानीय प्रशासन सकते में आ गई है। वहीं SP लिपि सिंह दिन रात इसके रोकथाम में जुटी हुई है। इसके तहत SP लिपि सिंह ने ही खुद से पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करवाया है। वहीं कोरोना प्रभावित इलाके को पूर्ण रूप से बंद करने का भी आदेश जारी किया है। बिहार सरकार ने की सभी निजी डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील। जहां एक तरफ कोरोना के रोकथाम के लिए सभी डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे निजी डॉक्टर्स हैं जो काम से नदारद हैं, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने ऐसे प्राइवेट डॉक्टर्स को सख्त लहजे में समझाते हुए यह कह दिया है कि या तो सभी डॉक्टर्स काम पर वापस लौट जाए या तो सख्त से सख्त परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, या तो इस समय में जब कोरोना के रोकथाम का कोई इलाज नहीं है ऐसे में डॉक्टर्स ही एकमात्र सहारा बचे हुए हैं। नालंदा के जिलाधिकारी SP सहित 79 पदाधिकारियों की आई कोरोना रिपोर्ट। नालंदा के जिलाधिकारी SP सहित 79 पदाधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत यह सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनमें कोरोना नहीं पाया गया है। इसके बाद बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कोरोना के जांच के लिए सैंपल देने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं हाल ही में नालंदा के एक डॉक्टर में भी कोरोना के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद डॉक्टर से जुड़े कई लोगों में कोरोना होने की आशंका बढ़ गई है। तेजस्वी यादव के 6500 छात्रों को कोटा से लाने की मांग पर जदयू नेता ने की टिप्पणी। कोटा से वापस छात्रों को बुलाने के लिए तेजस्वी यादव और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ट्वीट करके सरकार से अपील करते हुए यह कहा था कि खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में सक्षम नहीं है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें ताकि हम उन छात्रों को वापस ला सके। जिसके जवाब में अब जदयू नेता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी जी, आप इस लॉकडाउन में कब प्रकट होंगे पहले तो आप ये बताएं। ट्विटर पर बस बैठे बैठे गला बजा रहे हैं मगर खुद की क्षमता के बारे में नहीं बता रहे। कोटा से छात्रों को वापस लाने की मांग पर कृपया करके राजनीति ना करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपके साथ साथ सभी की चिंता है। लीची के बम्पर पैदावार के बाद भी किसानों को होगा घाटा। देश विदेश में मुजफ्फरपुर के लीची अब अलग ही पहचान बना चुके हैं। वहीं इस साल मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादकों को मुनाफे के बजाय घाटा होने की संभावना है, क्योंकि बंद की वजह से किसानों को यह आशंका थी कि इस बार उनके लीची की बिक्री ज्यादा नहीं हो पाएगी। वहीं हाल ही के दिनों में हुई बारिश ने किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए जारी किया गाइडलाइन। बीते दिन से शुरू किए गए कामकाज के बीच सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि इस कदम से कोरोना के रोकथाम में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। वहीं सभी कर्मियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर रही है, जिसके तहत जारी किए गए नए गाइडलाइन के तहत सरकारी कर्मचारियों से बैग, झोला या हैंडबैग लेकर दफ्तर नहीं आने की अपील की गई है। सरकार का यह मानना है कि झोले या बैग से कोरोना के फैलने के आसार बढ़ जाते हैं। वहीं लोकल ट्रेन से सफर करने वाले, सचिवालय आने वाले सभी यात्रियों को 3 मई तक की छुट्टी प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना को लेकर 22 IDSP की हुई बहाली। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य समिति के द्वारा 22 IDSP की बहाली की गई है। बहाली करने का मकसद कोरोना के रोकथाम के लिए IDSP की मदद लेना है। खबरों की माने तो इन सभी पदों पर बहाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगी। वहीं सभी का प्रमाण पत्र सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है। सारी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। बोधगया में अभी 175 विदेशी के मौजूद होने की आई खबर। कोरोना के लगातार बढ़ते असर के बीच बोधगया में अभी भी 175 विदेशियों के रहने की खबर सामने आई है, जिसमें से 28 अकेले चीन के रहने वाले हैं। वहीं इन लोगों की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा म्यांमार के रहने वाले, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड और चीन के हैं। खबरों की माने तो यह सभी लोग पर्यटन वीजा पर यहां आए थे मगर बंद के कारण यहां से वापस नहीं जा पाए हैं। हालांकि इस बात की जानकारी चेकिंग के बाद मिली है, जिसके बाद इन सभी लोगों को आइसोलेशन में डाल दिया गया। वहीं सरकार ने गेस्ट हाउस के मालिक पर सख्त से सख्त कदम उठाने का आदेश जारी किया है।
योगी आदित्यनाथ के पिता के दुनिया को अलविदा कहने के बाद नीतीश कुमार समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी समेत अन्य नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत शांति प्रदान करने साथ ही उनके परिजनों को इस घड़ी में धैर्य के साथ काम करने की प्रार्थना की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने भी अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त की है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के पिता ने एम्स में अपनी आखिरी सांस ली है। कृषि उपज की परिवहन सुविधा के लिए मोबाइल ऐप को किया गया लॉन्च। लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज के परिवहन की सुविधा के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि अब किसान को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इस ऐप की खासियत है कि इसकी मदद से किसानों को परिवहन सुविधा की पहचान करने में साथ ही व्यापारियों को ढूंढने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, किसानों को खेत से लेकर मंडी तक और एक मंडी से दूसरे मंडी तक कृषि उपज के परिवहन को अनुमति देने का आदेश भी दिया गया है, जैसे कि बंद के माहौल में किसानों को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। जावेद अख्तर ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। अक्सर जावेद अख्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। इस बार जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से जाति, धर्म, रंग, भाषा या सीमा देकर राजनीति नहीं करने की अपील की थी। इसके जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि यह सत्य वचन है। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील का लोग सख्ती से पालन करेंगे। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने अपने सोशल मीडिया से लोगों को कोरोना से बचकर रहने की नसीहत भी काफी बार देते नजर आए हैं। सौरभ गांगुली ने की अपने करियर की सबसे अनमोल तस्वीर को शेयर। बीसीसीआई प्रमुख सौरभ गांगुली ने हाल ही में अपने करियर की एक शानदार तस्वीर को शेयर किया। शेयर की गई इस तस्वीर को विश्व कप क्रिकेट में फैब फोर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यह तस्वीर सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की है। यह चारों ऐसे खिलाड़ी थे जिनका विकेट हासिल करना किसी भी गेंदबाज का सपना हुआ करता था। यह टीम इंडिया के अनमोल रत्न के तौर पर भी माने जाते थे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सौरभ गांगुली ने लिखा कि इन चारों खिलाड़ियों के साथ उन दिनों में एक एक पल का लुत्फ उठाया है, जिसकी तस्वीर विजन इंडिया ने भी अपने आधिकारिक वेबसाइट से शेयर की थी। ई कॉमर्स कंपनियों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना हुआ अनिवार्य। सरकार ने अपने आधिकारिक सूचना में ई कॉमर्स कंपनियों को दोबारा से शॉपिंग के इस्तेमाल किए जाने के लिए खोल दिया है, जिसके बाद इन कंपनियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसके तहत इन सभी कंपनियों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है, जिसकी जिम्मेदारी ई कॉमर्स कंपनियों के मुख्य परिचालन अधिकारियों को सौंपी गई है। इतना ही नहीं, कंपनी के सीओओ से सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के मसौदे को कड़ाई से पालन कराने की अपील भी की गई है। पटना के खजपुरा में सैनिटाइजेशन करने का काम हुआ शुरू। पटना के खजपुरा में बीते दिन कोरोना प्रभावित मिलने के बाद पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। बीते दिन इस पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन किए जाने का काम भी शुरू किया गया है। हालांकि प्रभावित महिला के संपर्क में आए आधे से अधिक लोगों की रिपोर्ट आ गई है, जिसके तहत उन सभी में कोरोना से प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किए जाने पर पटना डीडीसी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी खुद खजपुरा पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने मामले का जायजा लिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गुड्डू कुमार, रामनाथ कुमार, बसंती देवी, रोशन कुमार, मूल कुमार, मुखबील, रजा, आलोक कुमार, शकील राज, सुदेश कुमार, सिकंदर कुमार, नीलू देवी, रुपेश कुमार, संतोष कुमार, मंजीत कुमार, मोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। लॉकडाउन की इस अवधि में बिहार सरकार द्वारा टीवी से छात्रों को पढ़ाने का फैसला छात्रों के लिए इतना लाभदायक साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।